अभी तत्काल हम लोग बहुत सारे बसे तुरंत में नहीं हो सकता, तो कुछ दिन हम लोगों ने उसको बढ़ाया है ताकि अब जो बदलना चाहे उसको कन्वर्ट करना चाहे, अब चाहे नए बस का जो कोई भी खरीदेगा थोड़ा सा समय तो चाहिए ही, बस कोई छोटा चीज़ तो है नहीं। और देखिए ये सही बात आपने कहा कि ये दिमाग में आया कि मान लीजिए अगर वैसे हम करेंगे सख्ती से करेंगे तो बच्चे की पढ़ाई लिखाई की बात होती है। और हम लोगों ने ये भी कहा है कि बस में जो किट्स रखा जाता है जो प्राथमिक उपचार के लिए, वो सब चीज़ के पैनिक बटन हो, सारे चीज़ का हम लोगों ने प्रावधान करके जो नए बस आएंगे उसमें सब चीज़ की व्यवस्था होनी चाहिए। कौन क्या बोलता है उस पर हम लोग को नहीं जाना, आज पूरे बिहार ही नहीं पूरे देश में हमारे नेता के इर्द गिर्द राजनीति घूम रहा है। नमस्कार, स्वागत आपका लाइव बिहार में, मैं आपके साथ है संजीव सिंह। जल जीवन हरियाली के तहत वायु प्रदूषण को कल कम करने के लिए बिहार सरकार ने एक बड़ा कदम उठाया था और उन्होंने कहा था कि जितने भी स्कूल में डीजल बसें चल रही है उस पर 10 सितंबर के बाद रोक लगा दी जाएगी। जो भी बसें चल रही है उसको या तो CNG में कन्वर्ट कर दे या इलेक्ट्रिक बस का प्रयोग करे। लगातार यह खबरें भी चल रही थी, लेकिन इसी बीच एक बड़ा अपडेट सामने आया है। जो आखिरी तिथि 10 सितंबर था अब उसको बढ़ा दी गई है, क्योंकि तमाम जो स्कूल कोचिंग संचालक करता है उनको परेशानियाँ हो रही थी, शिकायत लेकर बार बार आ रहे थे। इसी पर पटना हाईकोर्ट ने जो है फिलहाल रोक लगा दी है इस फैसले पर और इसकी तिथि जो है बढ़ा दी गई है। इसी को लेकर के जब अभी बिहार सरकार के मंत्री शीला मंडल से सवाल किया गया कि जो तिथि है वो 10 सितंबर से बढ़ा दी गई है, तो उन्होंने साफ साफ कह दिए हैं कि काफ़ी ज़्यादा परेशानियां हो रही थी, शैक्षणिक कार्य में बाधा उत्पन्न हो रही थी, लगातार जो प्रधानाचार्य थे वो इसकी शिकायत लेकर के आते थे और इसको देखते हुए तिथि जो है वो बढ़ा दी गई है। साथ ही मसले को लेकर के और भी क्या कुछ करें शीला मंडल आपको सुनाते हैं। देखिए आपको बता दें कि हम लोगों ने, ये सही बात है कि हम लोग सेप्टेम्बर में रखे थे कि इसका लास्ट डेट है, लेकिन कुछ स्कूल के जो हेड ये हैं वो लोग आए थे हमारे पास और मिलने के लिए। हम लोगों ने सचिव को बुला करके हमने भी मीटिंग किया और कहा कि अभी तत्काल हम लोग बहुत सारे बसे तुरंत में नहीं हो सकता, तो कुछ दिन हम लोगों ने उसको बढ़ाया है ताकि अब जो बदलना चाहे उसको कन्वर्ट करना चाहे, अब चाहे नए बस का जो कोई भी खरीदेगा थोड़ा सा समय तो चाहिए ही, बस कोई छोटा चीज़ तो है नहीं, तो इसके लिए हम लोग समय बढ़ाएं। शिक्षण कार्य प्रभावित हो सकता था, ये चिंता भी थी। हाँ, और देखिए ये सही बात आपने कहा कि ये दिमाग में आया कि मान लीजिए अगर वैसे हम करेंगे सख्ती से करेंगे तो बच्चे की पढ़ाई लिखाई की बात होती है। और हम लोगों ने ये भी कहा है कि बस में जो किट्स रखा जाता है जो प्राथमिक उपचार के लिए, वो सब चीज़ के पैनिक बटन हो, सारे चीज़ का हम लोगों ने प्रावधान करके जो नए बस आएंगे उसमें सब चीज़ की व्यवस्था होनी चाहिए। राजद के नेता कह रहे हैं कि नीतीश कुमार आते हैं तो स्वागत है, लेकिन CM तेजस्वी यादव होंगे, क्या मतलब? राजद के नेता कह रहे हैं कि नीतीश कुमार वापिस हम लोगों की तरफ आते हैं तो स्वागत है, लेकिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार नहीं तेजस्वी होंगे। देखिए कौन क्या बोलता है उस पर हम लोग को नहीं जाना, आज पूरे बिहार ही नहीं पूरे देश में हमारे नेता के इर्द गिर्द राजनीति घूम रहा है। तो जैसा कि आपने सुना कि साफ तौर पे मंत्री शीला मंडल ये कहते हुए नजर आ रही है कि शैक्षणिक कार्य लगातार प्रभावित हो रहे थे और बसों जो है इसको बदलना इतना आसान नहीं होता है, मोटी रकम इसमें लगती है, इसलिए इसकी समय सीमा जो है वो बढ़ा दी गई है। साथ ही साथ इस मसले को और भी क्या कुछ करते शीला मंडल आप भी सुन रहे थे, आप अपनी राय प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स के माध्यम दे सकते हैं। आप देख रहे थे लाइव बिहार, बहुत बहुत धन्यवाद।